केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून के विरोध और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को जबलपुर के किसानों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली। यह रैली दीनदयाल चौक विजयनगर से निकली और रैली में शामिल किसान रास्ते भर जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे थे। रैली में शामिल किसानों का दावा है कि इस रैली में हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर से निकलते हैं। पूरे रास्ते भर तिरंगा लहराते हुए वो बापू यानी महात्मा गांधी की सोच के मुताबिक किसान हित की बात कर रहे हैं तो किसान एकता जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। दीनदयाल चौक से सुबह 11 बजे शुरू ट्रैक्टर मार्च शहीद स्मारक तक गया और वहां किसानों ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर अपनी रैली को विराम दिया। यह रैली संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से निकाली गई थी, जिसमें जिले के सभी किसानों ने एकजुटता दिखाई। उन्होंने नारा दिया कि दिल्ली में बैठे किसान अकेले नहीं है और महाकौशल में भी लगातार किसानों की आवाज उठ रही है। बता दें कि इससे पहले गणतंत्र दिवस पर सिहोरा में किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था। कानूनों की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। 30 जनवरी को किसानों का विशाल ट्रैक्टर मार्च, तीन मध्य प्रदेश जय जवान जय किसान। जो किसानों की बात करेगा वही किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, जो किसान हित की बात करेगा वो देश में राज करेगा। लगभग 65 दिनों से दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड में देश का किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जो देश नहीं दुनिया की आत्मा कहलाता है किसान, वो अपनी मांगों को लेकर बैठा बजाय उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के देश की सरकार साजिश रच रही है, षड्यंत्र कर रही है उनको बदनाम करने का। आज एक वृहत किसान रैली निकली है, ट्रैक्टर रैली निकली है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे देश में किसानों के बीच में कितना असंतोष है। आदरणीय राकेश टिकैत जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उनने एक ऐसी अलग जगाई जिससे अहंकारी मोदी सरकार को उखाड़ने में सबसे बड़ा मील का सब पत्थर साबित हो गया। अपने अहंकार में मोदी जी भूल गए कि यह किसान देश का अन्नदाता है, अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित होती है और ये सारे के सारे लोग, इतना बड़ा तबका देश का इतिहास बताता है, आज़ादी की लड़ाई बताती है, चाहे चंपारण का आंदोलन हो चाहे बारादोही का आंदोलन हो, उस समय अंग्रेजों की खिलाफत किसानों ने की थी और आज अंग्रेजों की औलादों की खिलाफत कांग्रेस कर रही है, पूरे किसान और कांग्रेस कर रही है, पूरा कांग्रेस का परिवार किसानों के साथ खड़ा हुआ है। हम किसान रैली निकाल रहे हैं। देश में बैठी केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से दमन और अत्याचार कर रही किसानों के साथ, पूरा आज भारत देश का जनमानस मोदी की वोटर, उन्होंने जो गणतंत्र दिवस में जो काम किया है, किसानों को आंदोलन कुचलने का काम किया है, निश्चित रूप से पूरा देश जान चुका है और आज किसान परेशान है। जब तक के तीन काले कानून वापस नहीं होते, जब तक के पूरा किसानों के समर्थन में पूरा देश उमड़ पड़ा है, कांग्रेस किसानों के साथ है, किसानों के सम्मान में है। संयुक्त किसान मोर्चा जबलपुर के तत्वाधान में ये ज्ञापन मुझे सौंपा गया है राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर। मैं इस ज्ञापन को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा दूंगा और इनकी भावनाओं से उन्हें अवगत।